लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कौशाम्बी के कोखराज थाना में आईजी रेंज प्रयागराज मोहित अग्रवाल ने जिले के तीनों सर्कल के सीओ और सभी एसओ के साथ बैठक की। बैठक में एसपी प्रदीप गुप्ता, एएसपी अशोक कुमार, तीनों सर्कल के सीओ समेत जनपद के सभी थाना अध्यक्ष मौजूद रहे। चुनाव के मद्देनजर आज कौशाम्बी जिले के सभी थाना अध्यक्षों की और सभी राष्ट्रपति दफ्तरों की बैठक यहाँ पर की गई है और सभी को निर्देश दिए गए हैं कि जो आपराधिक तत्व हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए जो चुनाव के दौरान मतदान के में गड़बड़ी फैला सकते हैं, मतदाताओं को डरा धमका सकते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन्हें या तो भारी मुचलके पे पाबंद कराया जाए, गुंडा एक्ट लगाया जाए और जो अपराधी हैं उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाए। जो माफिया हैं, शराब माफिया हैं, ऐसे लोगों को विशेष रूप से चिन्हित कराया जाए और उनकी जितनी भी अवैध संपत्ति है उसको जब्त किया जाए। उसके अलावा हथियार जो जमा करने की कार्रवाई है, जो अवैध हथियार लेकर के लोग चलते हैं उनकी चेकिंग है, इनके लिए भी विशेष निर्देश दिए गए हैं। हर थाना क्षेत्र में एक एक बैरियर लगा करके चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं और चेकिंग में विशेष रूप से जो नए उम्र के लड़के हैं, जो 18 साल से 35 साल के लड़के हैं, जो अक्सर छेड़खानी की घटनाओं को, लूट की घटनाओं को अंजाम देते हैं, उनकी चेकिंग के विशेष रूप से निर्देश दिए गए हैं। ऐसी गाड़ियाँ जो हुटर लगा कर चल रही हैं, बिना नंबर के चल रही हैं या कालर शीशा लगा करके चल रही हैं, ऐसी गाड़ियों को के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।